यहाँ पे बलूचिस्तान के गांव रेल में खड़ा हुआ हूँ। पिछली दफ़ा ऐसा वाक़ आया कि मैं दीवाना शाह के मेले पे आया और वहाँ के मौलवी साहब ने बताया कि कोई वादा करके गया था सफ़ों का, वो फ़ोन नहीं उठा रहा और सफ़े वहाँ पे थे नहीं। तो मैं पिछली दफ़ा आया हूँ और वो वहाँ पे सफ़े देने आया था, तो वहाँ पे पता लगा कि इस साइड पे गायबी शाह के नाम से जो है एक मज़ार है। तो मैं पहली दफ़ा इस रास्ते पे निकला और रोज़ा के टाइम पीरियड पे मैं यहाँ पे आया गायबी शाह के मज़ार पे, लेकिन मैं पहुँच नहीं सका क्योंकि रास्ता बहुत ही लंबा हो गया था और कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। हम लोग चलते चलते जो है ये रेत से गुजरते हुए गांव से होते हुए गए और हमने यहाँ पे रोज़ा खोला। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चले गए। 8:30 बज रहे थे, वहाँ पे अंधेरा बहुत हो गया था और हल्ला रास्ता हम लोग भटक पड़े थे क्योंकि अंधेरे में 3-4 रास्ते जा रहे थे जो कच्चे की तरफ है। मैं वापस आया हूँ इस गांव में और मैंने रात रुका। यहाँ के लोगों ने जो मस्जिद में रुके हुए थे उनके पास जो टिफ़िन थे उन्होंने सारे टिफ़िन खोले और उन्होंने खाना नहीं खाया, वो सारा खाना हमारे आगे रख दिया। और जब हमने जो खाना खाया उसके बाद जो बचा तो उन लोगों ने सारा खाया। यहाँ के लोग थे जो यहाँ पे मस्जिद में रुके हुए थे, ये एक छोटा सा गांव है एक ही खानदान का, लेकिन गांव के मसले मसाइल बहुत अलग से होते हैं, शायद हम लोगों के शहरी लोगों को नहीं पता होता। इनको एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए भी जो है बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत बजट के हिसाब से ये लोग चल रहे होते हैं यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे रुका तो पता लगा कि इस मस्जिद में भी सफ़े नहीं हैं और इस मस्जिद में बच्चों के सफ़ाए कुरान शरीफ तस्बीह और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। ये एक छोटा सा ख़ानदान है जिन्होंने बहुत खींच के चाह के जो है ये मस्जिद की तामीर कर रही है और इस मस्जिद में भी बहुत सारी काम जो है वो बाकी है। यहाँ पे कुआं खोदने का भी जो है सिलसिला रुका हुआ है, वही बजट का हिसाब है इनका। मैं जब कराची गया तो मैंने नियत बांधी कि मैं यहाँ पे सफ़े और जो चीज़ें पूछा सकूँ पूछूँगा। कराची में एक बात है कि जितने मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने बोला कि हम अपनी मस्जिदों को जो है ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई। मस्जिद तो जो है वह हजरत पाक की है, किसी की नहीं है। हर अपनी मस्जिद के बारे में बोलना ये बात मुझे समझ नहीं आई। सारी मस्जिदें मुझे एक जैसी लगती हैं, सारी मस्जिदें जो है वो इस्लाम की लगती हैं। मैं ये सोचता हूँ कि इतने दूर गाँव में अगर किसी मस्जिद में एक सफ़ा या दो सफ़े पहुँचा के अगर कोई निकी कमाता है तो बहुत बड़ी कमाता है। अभी इसकी पूरी मस्जिद की जो है बनाने का सिलसिला है। रात को यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने आके हमारी खिदमत की, कुछ कपड़े थे मौलवी के वो मैं दे के आया हूँ, उससे जो कुछ हो सका ज़ाती तौर पर मैं कर सका, लेकिन लोगों से मेरे लिए बात नाउमीद हुई कि हम अपनी ही मस्जिद की करते हैं। मेरे अंदर से अपनी मस्जिद नहीं होती, मस्जिद मस्जिद होती है, ये मेरा ख्याल है। उससे काम लगा बारह जितना मेरा गुंजाइश हुआ कि मैंने यहाँ पे 5-6 सफ़े अंदर के लिए तसल्ली जो कर सकता था, जो अल्लाह से नियत बांधी थी, वो सारी चीज़ें की। कूलर लेके आया, यहाँ पे जग लेके आया, पानी लेके आया, तस्बीहें लेके आया, सफारे लेके आया, कुरान शरीफ लेके आया, अम्मा पारा रहा यहाँ के बच्चों के, ये गाँव को जरूरत पड़ती है। और जब मैं आया हूँ तो यहाँ के गाँव की खुशी की इंतहा नहीं थी, वो सारे लोग आके मेरे घर जमा हो और रात भर वो लोग जो है मेरे साथ कचहरी करते रहे। घर से उन्होंने खाना मंगा के मुझे दिया, अभी जो है मुझे गायबी पे पहुँचा। इनके लिए छोटी सी भी आप कोई चीज़ करोगे तो ये लोग बहुत इज्जत देते हैं। और आप देखो कि हम आगे बिस्तर बिछाया, बिस्तर का सारा निज़ाम किया, पानी का निज़ाम किया। यहाँ पे पानी का भी शॉर्टेज है क्योंकि यहाँ पे कुआं खोदने वाले हैं और कुएँ के लिए भी जो है इनको पैसे चाहिए होते हैं। अभी इन्होंने 120 नीचे कुआं खोदा है लेकिन पानी उतना हमें नहीं आ सकता। मस्जिद के लिए जो है वो कुएँ के पानी की बहुत किल्लत है क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ से जितनी गाड़ियाँ कच्चे से जाती हैं वो यहाँ से होते हुए इस मस्जिद में जो है वो नमाज़ पढ़ के जाती है। मैंने इनसे वादा किया है कि जो मैं कर सकता हूँ मैं इनके लिए करूँगा और अभी भी जो है मुझे किसी की मोहताजी नहीं हुई। मैंने नियत बांधी और मस्जिद के सफ़े और मस्जिद की सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें लानी थी, वज़ू के लोटे थे और बहुत सारी
चीज़ जो है मेरे बंदोबस्त और मेरी नियत के हिसाब से अल्लाह ने मुझे दे दी। बस आप लोगों से ये चीज़ कहना है कि अगर पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उनके बड़े मसले होते हैं, वो अपने घर बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, लेकिन उनकी नीयत बहुत अच्छी होती है, वो मेहमान नवाज बहुत होते हैं। मैं आके यहाँ पे सफ़े लेके आया हूँ और रात भर उन्होंने मेरी खिदमत की, तो वही मुझे गायबी पीर पे लेके जाएंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा कि कहीं भी ऐसी छोटी सी भी कोई नेकी हो, उसमें अपनी मस्जिद और अपने वालों को देने का जो नहीं होता। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि साल के बाद आप कपड़े जो नहीं पहनते हो मुझे दे दिया करो, ताकि मैं इन गाँव में पहुँचा दूँ। अक्सर ने मुझे ये बोला कि नहीं, हम अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं, हम किसी गरीब को दे देते हैं, हम किसी एनजीओ को दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है पहनने का भी इतने मसले मसाए। क्योंकि मैं बलूचिस्तान घूमता रहता हूँ और मैं लोगों की मेहमान नवाजी भी देखता हूँ कि खुद नहीं खाते लेकिन अगर मेहमान आता है तो ये उनके लिए जो है ऐसी वेलकम करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। जब भी मेरा दिल यहाँ पे पत्थर जैसी जगहों पे रहने वाले अच्छे दिल के लोगों के लिए रहता है। हम तो कराची में जितना भी वो कम कहते हैं, हम अपने मेन्यू की बात करते हैं, लेकिन का रात का खाना भी ऐसा था जैसे सच्ची मुझे दिल से मिला। 12 बजे तक ही रहे, अभी ये लोग ही मुझे जो है गाबी पिल पर लेके जा रहे हैं। बलूचिस्तान में मैं जब भी आता हूँ हमेशा मेरी इज्जत होती है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि यहाँ के मस्जिद मज़ार के लिए कुछ करने के लिए, लेकिन लोगों की हिम्मत नहीं होती उनको कुछ बोलने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आगे से कोई ना कोई जवाब हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि लोग देते हुए इतने परेशान क्यों होते हैं, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरा दिल चाहता है कि मैं अपना आप जो हूँ इन लोगों को दे दूँ। अपनी अपनी सोच होती है। मिसाल के तौर पर सफ़े हैं, अभी एक और मस्जिद है, उनके जो है मौलवी साहब ने बोला है मेरी तरफ भी आना, कुछ ना कुछ होगा, हो सकता है कोई ज़रूरत हो। बस आपसे यही कहना है कि कहीं ऐसा हो कि आप कुछ कर सकते हो इन लोगों के लिए, तो जो मुझे ये रुजू करना है, मेरा फेसबुक आसिफ मलंग है। मैं आपसे पैसे नहीं मांगता, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप मुझे खुद खरीद के दे देंगे, भले एक सफ़ा हो या दो सफ़ा हो। आप खुद सोचें, इतनी दूर एक मुसाफिर जैसी जगह पे अगर एक सफ़े पे आपके सफ़े पे कोई नमाज पढ़ेगा तो आपको कितनी बरकत होगी, जिस जगह पे ज़रूरत हो। मैं ये कहूँगा कि कोशिश करें कि मेरे साथ मिलकर इनकी हेल्प कर सकें। अगर खुदा ने मुझे इन जगहों पे भेजा है और ये लोग मुझे बोलते हैं कि मस्जिद में इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ ऊपर ही नज़र मारता हूँ और खुदा को कहता हूँ खुदा वसीला बना दे, कोई ना कोई वसीला बन जाता है। मैं आपको सिर्फ कहने का ये मकसद है कि कभी ऐसा होता है कि आपका दिल चाहे तो आप मुझे जो है मस्जिद की कुछ चीज़ें लेके दे सकते हैं। मैं पैसे की बात नहीं करता, मैं सिर्फ मस्जिद के सफ़ों की बात करता हूँ, मस्जिद की छोटी छोटी चीज़ों की बात करता हूँ, मस्जिद के पानी की कुएँ की बात करता हूँ, पानी इस्तेमाल होने वाले की बात करता हूँ। यहाँ पे लोग आके मस्जिद के कोने में हैं, लोग यहाँ पे आके जो है रहते भी हैं, उनके रहने का नज़ाम की बात करता हूँ। रात को यहाँ के आदमियों से बात हुई थी, उनके घर के ही बहुत सारा एक हिसाब किताब बनता है, 4-5 लोग कमाते हैं और बहुत वो तरीके से ही चलते हैं, लेकिन रात को उनके खाने से पता लगता है कि दिल के बहुत बड़े। आप किसी दिन अगर ज़िंदगी में रहें तो आप बलूचिस्तान आएँ और छोटे छोटे गाँवों को देखें, आपको वो हैरानी और वो सारी चीज़ें मिलेंगी अंदर से खुश कि इनकी जितनी भी परेशानियाँ लेकिन इनकी शक्लों पर नज़र नहीं आती है। बहुत बड़े दिल लोग होते हैं। और जब मैं कल आया हूँ तो जितने भी यहाँ के घर के लोग हैं सब मुझसे मिले और रात तक बैठ के मेरी कचहरी की मुझसे बातचीत की, वो सब कुछ बताया। इन्होंने अपने मसले नहीं बताए लेकिन इनके मसले नज़र आते हैं। मुझे किसी ने सफ़ों का बोला नहीं था इस मस्जिद का, लेकिन मेरे दिल ने कहा, क्योंकि एक टूटी सी अंदर चटाई बिछी हुई थी और उसी पे बच्चे सारे सवारे पड़ रहे थे। सवारे भी शायद गिनती के थे। जिस दफ़ा मैंने जो है जितने हो सके मैंने पहुँचाया, कुरान करी कुरान शरीफ कंप्लीट पहुँचाया मैंने, अम्मा पारा पहुँचाया मैंने और बहुत सारी चीज़ें, तस्बीह थी नहीं थी यहाँ पे, तस्बीह पहुँचाई, जानमाज पहुँचाई। मेरी कोशिश होती है कि अब मुझे मस्जिदों का सिलसिला मिला है तो मैं उनकी मदद करूँ। अचानक ही किसी गाँव में पहुँच जाता हूँ
उनके लास्ट टाइम मैं रास्ता भटक गया था और रात को वापस आया था, तो इन लोगों ने जो है मुझे इतनी अच्छी वेलकम की कि मेरा भी फ़र्ज़ बनता है इस मस्जिद के लिए कुछ करने का। बस आपसे गिनती है कि कभी भी आपका दिल ऐसा चाहे कि आप गांव में किसी नौजवान साथ की मदद करना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बोलें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो है आपको कॉल कर सकूँ कि भाई एक सफ़र चाहिए, दो सफ़र चाहिए, आप कितने सफ़र मुझे दे सकते हैं। आप मुझे सिर्फ सामान लेके दे देंगे मेरे लिए बड़ी बात है, और मेरा काम है यहाँ पे पहुँचा। बस यही आपसे कहना है, आपका दोस्त आसिम आलम फेसबुक या लिंक। अच्छा।